इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं 9 बजे हमने ऑपरेशन सीएम की नाक के नीचे आपको दिखाया था, 10 बजे हमने इस प्रोग्राम को खत्म किया, माफ कीजिएगा 11 बजे हमने जैसे ही खत्म किया हमें यह जानकारी मिली एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन का फौरन और बड़ा असर आपके सामने स्क्रीन पर। 3 निजी सचिव जो ये मंत्री के हैं उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पंकज मेरे सहयोगी वहां हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, सीधा उनका रुख करते हैं। पंकज, अपडेट क्या है? देखिए, अपडेट ये है कि यूपी सरकार ने स्टिंग ऑपरेशन को देखा है और अपर मुख्य सचिव जो सचिवालय प्रशासन के हैं जिनके तहत ये तीनों कर्मचारी आते हैं निजी सचिव, उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं और कल सवेरे 11 बजे के करीब में वो रिपोर्ट उनको पेश किए जाने के लिए कहा गया है। उसके बाद इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आपकी बात हुई है? जी हाँ, हमारी बात हुई है अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता से, जिन्होंने कहा कि हाँ हमने इस बात को संज्ञान में लिया है जो स्टिंग ऑपरेशन में तीनों निजी सचिव को दिखाया गया है और उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं और कल 11 बजे रिपोर्ट मांगी गई है। उस रिपोर्ट में अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई तक की जा सकती है। तो 11 बजे रिपोर्ट भी आ जाएगी, यानी फौरन इस जांच का फैसला भी किया गया और रिपोर्ट भी फौरन ही आने वाली है? जी हाँ बिल्कुल, कल सवेरे 11 बजे उनके पास रिपोर्ट आ जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए, हमारे साथ बने रहिएगा। विधानसभा परिसर में मंत्रियों के कमरे में घूस की मांग कर रहे थे ये पीएस, तीनों पीएस के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन को लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता और मंत्री उत्तर प्रदेश के देख रहे थे। जब ये स्टिंग ऑपरेशन हमने खत्म किया उसके फौरन बाद ये बड़ी खबर आती है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।